नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के चिराई गांव के पास सिकंदरपुर हरिजन पुत्र बाबूलाल उम्र 32 वर्ष राजगिरी का काम करता था। पत्नी रेखा ने बताया कि रात 9 बजे मृतक सिकंदर ने बताया कि रुस्तमपुर देसी शराब ठेका पर दो लोगों से झगड़ा हुआ है, एक यादव दूसरा मौर्या है। शुक्रवार की सुबह घर से 100 मीटर की दूरी पर अधजला सौ मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। सिकंदरपुर औरत ने चप्पल व लोअर से पहचान किया, कहा कि यह मेरे पति सिकंदर के रूप में पहचान गया। सूचना मिलने पर चौबेपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, एसीपी सारनाथ, पुलिस आयुक्त वाराणसी डॉक्टर के एजी लरसन मौके पर मौजूद रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए तौफिक खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बाबूलाल जी, ये बताइए जो हत्या हुई वो क्या लगते थे आपके? हमारे लड़के। क्या नाम था उनका? सिकंदर। क्या करते थे? राजगिरी मिस्त्री का काम। ये घटना जो हुई, उनकी हत्या जो हुई है, उसमें क्या जानकारी आपको है, उसके बारे में बताएंगे? कुछ नहीं जानकारी। कुछ बताए नहीं? नहीं। ये आपको सूचना कब मिली आपके बेटे की हत्या के बारे में? ये हम लोग जैसे सुबह निपटने के लिए आए थे तब। जब पुलिस मौके पर कब आई थी? पुलिस को हम जैसे जब आए तो रमेश प्रधान हमारे चिराई गांव के हैं ना, सुनकर तो उनके यहाँ गए तो वो कहे कि पुलिस को फोन कर दो, तो हम लोग फोन किए। ठीक है। बॉडी कहाँ है? गई साहब, पुलिस अपने अंडर में ले ली है जी। ठीक से रहो भाई, हैं गांव में ठीक से रहना है। हाँ, ये दस्तर के पास। अरे नहीं नहीं सर, किसी नहीं सर, आपका कुछ ना घटना चल रहा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।